आज मैं मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली माय डॉटर हैज़ कंप्लीटेड 2 years and 6 months, सो टुडे इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। आज मैं उसके पसंद की खाना बनाऊंगी, मॉर्निंग टू इवनिंग उसको जो जो पसंद है बना के दूंगी मैं। ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा सूजी का हलवा विद पूरी, दोनों ही उसका फेवरेट है। इस वीडियो के एंड पर मैं उसका हैप्पी मंथ्स का कुछ पिक्चर डाला है, तो प्लीज़ उसे देखना। मेरा चाय उबल चुका है, मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल सूजी, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद मैं ऑयल एंड घी ऐड करने वाली हूँ। आप चाहे तो पूरा घी में बना सकते हो, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब तक ना सूजी का कलर चेंज हो जाए एंड रोस्टेड सूजी एंड घी का अच्छा स्मेल निकल आए, तब तक इसको भूनना है, रोस्ट करना है। तो मेरा सूजी रोस्ट हो चुका है, सो मैं पानी ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पानी डाला 2 bowls, एक बोल का मैंने सूजी लिया था तो मैंने डबल पानी यूज़ किया। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ शुगर, आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड करिए। और उसके साथ मेरा जो आमंड और कैशू का जो पाउडर है उसे भी मैंने 2 spoons डाल दिया, इससे जो टेस्ट होता है और भी बढ़ जाता है। बस मेरा सूजी हो गया, मैं गैस को ऑफ करके उसके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये है मेरा सूजी का हलवा। अभी मैं गरम गरम पूरी बनाऊंगी। मैं आज मैदा का रेशियो ज़्यादा लिया है, आटा कम लिया, मतलब मैं अगर 1 cup मैदा दिया तो 1/4 cup मैंने आटा ऐड किया है। दूसरे स्टोव पर मैंने एक आलू कड़ी बिठा दिया मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। इसका रेसिपी भी मैं बाद में शेयर कर दूंगी, बहुत अच्छा लगता है, जल्दी हो भी जाता है एंड टेस्टी भी होता है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता है, थोड़ा सा ही ऑयल में इसमें डालती हूँ ऑलवेज। लंच मेनू पे है खिचड़ी विद चिकन लीवर। मेरी बेटी मीट नहीं खाती है तो
हम जब उसके खाना बनाते हैं तो उसके खाने पे मैं चिकन या मटन का लीवर डाल देती हूँ, दैट्स ऑल। उसका सिंपल सा लंच है बट उसका फेवरेट लंच आज प्रिपेयर्ड हुआ है। हो गया मेरा बेटी का लंच, अभी मैं जल्दी जल्दी एक अच्छा चिकन का रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा वाइट ऑयल डाला। आज का पूरा खाना मैं वाइट ऑयल में ही बनाऊँगी। उसमें मैं बड़े बड़े पीसेस में काटा हुआ अनियन डाल दिया। अनियन को मैं शैलो फ्राई करूँगी, थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस तब तक ही इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसको ठंडा करके मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। मैंने थोड़ा सा टमाटो एंड गार्लिक का पेस्ट बना लिया, उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और मैं बड़े बड़े पीसेस में काटा हुआ आलू लिया है, उसको भी मैं फ्राई करूँगी। आलू को मैं थोड़ा सा छुरी से कट दिया है, इससे क्या होगा जल्दी बॉयल हो जाएगा। और आलू को मैं अभी हल्दी एंड नमक से फ्राई करूँगी। मैं ऑयल ऐड किया, थोड़ा सा मैं चीनी डाला, माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट दालचीनी ऐड किया, बे लीफ दे दिया। अभी मैं पूरा चिकन को डाल के उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ टोमेटो एंड गार्लिक पेस्ट। मुझे गार्लिक का स्मेल, दालचीनी का स्मेल अच्छा लगता है। मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ जब चिकन हो कुछ स्पेशल, कुछ हो उसमें गार्लिक एंड दालचीनी का फ्लेवर हो। मैं मिक्सचर जार को पानी से धो के दे दिया। देखिए गार्लिक एंड टोमेटो से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, पानी भी निकल चुका है। दूसरी ओर मेरी पोटैटो भी हो रहा है। अभी मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाला मैंने, दोनों को मिक्स कर दूंगी। जो अनियन मैंने फ्राई किया था, शैलो फ्राई किया था, उसको मैं अभी पेस्ट करके डालने वाली हूँ। कश्मीरी मिर्ची पाउडर 1 स्पून डाला, थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाला, कोरिएंडर पाउडर मैंने डाला, धनिया पाउडर। सब मसाला को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद एज यूजुअल मैं गर्म पानी भी डालूँगी। बस पोटैटो मेरा फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। पोटैटो मसाला एंड चिकन सबको मैं अच्छा से मिक्स कर दूंगी। देर तक इसको पकाना है, उसके बाद मैं गर्म पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा ही। अभी मैंने गर्म मसाला पाउडर डाला, सबको एक बार चला लूंगी। अभी मैं लीड लगा के 2 व्हिसल इसको देना है। बहुत अच्छा है चिकन का रेसिपी, मैं खा के बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बोलना कैसा लगा, टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आएगा। अभी टाइम है डेजर्ट का।
उसको मैं उसका फेवरेट डेजर्ट देने वाली हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इवनिंग टाइम पे मैंने सिमैया बनाया था, लेकिन इसका मैं कुछ वीडियो नहीं बनाया, ऑलरेडी मेरा एक सिमैया का है। बस आज का वीडियो इतना सा ही है। मैं जल्दी आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।